गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम कक्षा चौथी विषय हिंदी उप विषय पाठ नंबर 7 भलाई करो और इस लेसन में हमने वर्ड 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 मीनिंग क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। आज हम करेंगे बुक एक्सरसाइज और उसकी क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने बुक में ही राइट करने हैं और लर्न। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, उसका फर्स्ट पार्ट है बच्चे का विद्यासागर जी से क्या संबंध। जो बच्चा था उनका विद्यासागर जी से क्या संबंध था। आंसर, विद्यासागर जी प्रतिदिन बच्चों को विद्यालय पढ़ाने जाया करते थे। कहाँ जाया करते थे बच्चों को? विद्यालय पढ़ाने। नेक्स्ट, रास्ते में विद्यासागर जी के साथ क्या हुआ? आंसर, एक गरीब बालक ने विद्यासागर जी से रास्ते में एक पैसा मांगा। क्या था? एक गरीब बालक ने विद्यासागर जी से रास्ते में एक पैसा मांगा। नेक्स्ट, विद्यासागर जी ने बालक को क्या दिया और बालक ने उसका क्या किया? आंसर, विद्यासागर जी ने बालक को 1 रुपया दिया जिससे उस बालक ने काम करके अपनी पूंजी बढ़ाई। क्या किया उस बालक ने? विद्यासागर जी ने बालक को 1 रुपया दिया जिससे उस बालक ने काम करके अपनी पूंजी बढ़ाई। तो बेटा ये है आपकी क्वेश्चन आंसर, ये आपने बुक के अंदर ही राइट करना है, ठीक है। राइट करके फिर इनको लर्न करना है। और अब करेंगे हम बुक एक्सरसाइज बुक में ही। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। आजीवन, लड़के, विचारों, पैर, प्रभावित, पैसा। एक गरीब बालक ने रास्ते में विद्यासागर जी से एक डैश मांगा। क्या मांगा था? पैसा। सेकंड, विद्यासागर जी उसके डैश से बहुत प्रभावित हुए। क्या हुए? विचारों से बहुत प्रभावित हुए। अचानक एक डैश ने सामने से आकर उनके डैश छुए। क्या? लड़के ने सामने से आकर उनके पैर छुए। मैं डैश आपका ऋणी रहूँगा। मैं आजीवन आपका ऋणी रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में दीजिए। विद्यासागर जी बच्चों को रोज कहाँ पढ़ाने जाते थे? कहाँ पर जाते थे? विद्यालय। रास्ते में विद्यासागर जी को कौन मिला? एक गरीब बालक। विद्यासागर जी के दिए 1 रुपये से बालक क्या बढ़ाता गया? अपनी पूंजी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। फर्स्ट, गरीब बच्चे ने विद्यासागर जी से कितने पैसे मांगे? 5, 2, 3, 1। कितने मांगे थे? 1 पैसा। विद्यासागर जी ने बच्चे के हाथ पर कितने रुपए रखे? 1, 3, 2, 4। कितने रखे थे? 1। बेटा अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। विद्यासागर जी ने किस उक्ति को सत्य कर दिखाया? आगे कुआं, पीछे खाई, एक पंत दो काज, सांच को आंच नहीं, नेकी कर दरिया में डाल। क्या? नेकी कर दरिया में डाल। भाषा ज्ञान, शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। उदाहरण देकर शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। जैसे कर्म का क्रिया हुआ है ऐसे ही करने हमें। बिल्ली, बे प्लस ई प्लस ले प्लस ले प्लस ई। दो ले क्यों आए? क्योंकि एक आधा ले ये है और एक आधा ले इसके अंदर से निकला है। अब है रास्ता।
र प्लस आ प्लस स प्लस ते प्लस आ रास्ता बच्चा ब प्लस ए प्लस चे प्लस आ बच्चा सज्जन स प्लस ए प्लस जे प्लस ए प्लस ने प्लस ए सज्जन जेब जे प्लस ए प्लस बे प्लस ए क्या के प्लस ये प्लस आ क्या। क्वेश्चन नंबर 7 नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जो बच्चों को पढ़ाता है उसे क्या कहते हैं हम अध्यापक। जो डाक बांटता है उसे क्या बोलते हैं डाकिया। जो कपड़े सिलता है दर्जी। जो बीमारों का इलाज करता है डॉक्टर। रोगी की देखभाल करती है नर्स। तो बेटा ये है आपकी बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर। आपने इनको लर्न करना है और अपनी बुक के अंदर ही राइट करना है। ठीक है ओके स्टूडेंट्स थैंक यू हैव ए नाइस डे।